सिंगरौली जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने विरोध में उग्र प्रदर्शन करते हुए मेन रोड कलेक्ट्रेट रोड पर बनाए गए बैरिकेड्स रेलिंग एवं पुलिस का घेरा तोड़कर सीधे गेट के अंदर जा पहुंचे, जहां पर सरकार के विरोध में गगनभेदी नारे लगाए गए। बिजली पानी रोजगार उपलब्ध नहीं कराने एवं किसानों नौजवानों से किए वादे पूरा नहीं किए जाने के विरोध में नारे लगाते रहे। वहीं मौके पर पुलिस के पदाधिकारी वक्ताओं ने सरकार विरोधी नीतियों को लेकर अपनी भड़ास निकाली, जिससे पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें बाद सभी भाजपाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जहां पर गिरफ्तार भाजपाइयों को करीब 2 घंटे के बाद छोड़ दिया। मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार जो सोई हुई थी, उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कल जगाने का कार्यक्रम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय सिंगरौली से हम सब लोग निकल करके कलेक्ट्रेट का घेराव किए और उसके बाद हम सबों की गिरफ्तारी हुई। हमारे गिरफ्तारी देने वालों की कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी ज्यादा थी, लेकिन चूंकि प्रशासन के पास में उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी और लगभग 500 आदमियों को वहां पर ले जाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता को के प्रति बहुत बड़ा अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबों ने मिलकर के उस कार्यक्रम को सफल बनाया। और इस तरह के अनवरत आंदोलन अगर यह सरकार सोती रही तो भारतीय जनता पार्टी से हमेशा इस तरह के आंदोलन क्रमवार चलते रहे। क्या ऐसी मुद्दाएं थी जिन बातों को लेकर आपको घंटानाद का आंदोलन करना पड़ा? बिजली कटौती, जो कि सरकार पिछले 15 वर्षों से हम सबों को 24 घंटे की बिजली दे रही थी, जगह जगह विद्युतीकरण न होना, लाडली लक्ष्मी योजना का 51,000 रूपये की राशि घोषित करके उसके खाते में पैसा न पहुंचना, और जो चुनाव के समय में उसने वायदे किए थे कि 70% बेरोजगार को रोजगार देंगे, आज की सभी बेरोजगार लोग अपने आप में ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और किसान कर्जा माफी, जो कि किसान कर्जा माफी मुख्य विषय था, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा यह बताया गया था कि 10 दिन के अंदर हम किसान कर्जा माफ कर देंगे, अन्यथा जो है हम अपना मुख्यमंत्री बदल देंगे। ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। प्रत्येक किसान, प्रत्येक बेरोजगार, स्थानीय जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इसके लिए हम सब लोग कृत संकल्पित हैं कि इस सोई हुई सरकार को अमन चैन से नहीं बैठने देंगे और इसमें जो भी हमसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग कर सकेंगे, हम लोग समय समय पर इस तरह के आंदोलन को क्रमवार करते रहेंगे। प्रदेश सरकार ने आह्वान किया था कि 9 माह सरकार जो है जनता के प्रति सही उत्तरदायित्व नहीं निभा रही है, इसके प्रति घंटानाद के तहत एक आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार हुई और प्रदेश सरकार के प्रदेश नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर हम सबने कल जो है आंदोलन किया, जिसमें सरकार की विफलताओं को हम लोगों ने उजागर किया। उदाहरण के लिए ले लीजिए तो अपने वचन पत्र में उन्होंने तमाम घोषणाएं की थी। आप बेरोजगारी को ले लीजिए, आप तो 4,000 देने की बात कहते हो, आज तक नहीं मिला। और बिजली कटौती शुरू हो गई, बिजली का बिल पहले कहे थे कि हाफ कर देंगे, हाफ के जगह पर वो अब बोले कि 100 यूनिट का 100 रुपये लगेगा, इसके अलावा अनाप शनाप बिल का बिल आएगा और गरीब पाएंगे कहाँ। आदिवासियों की बात करते हैं, कहीं कुछ नहीं।